हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोसालिया कस्बे में निःशुल्क आवंटित भूखंड की सूत नहीं ले रहा है विभाग। कचरा पात्र बना भूखंड 42 साल में भी नहीं बन पाया उप डाकघर भवन। 1984 में भूखंड की 2 फीट की 4 दीवार बनाकर विभाग ने बोर्ड लगाया। कोसालिया डाक विभाग 42 वर्ष में भी भवन नहीं बना पाया है। ग्राम पंचायत द्वारा भवन के लिए निःशुल्क आवंटित भूखंड, कचरा पात्र बना बीमारियों का घर, कचरा पात्र बीमारियों को न्योता दे रहा है। ग्राम पंचायत में विभाग को राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के पास 1978 में बेशकीमती भूखंड निःशुल्क आवंटित किया था, लेकिन आज तक उप डाकघर भवन नहीं बन पाया। 1984 में भूखंड की 2 फीट की 4 दीवार बनाकर विभाग ने बोर्ड लगाया था, वो भी धराशाही हो गया है। वर्तमान में लोग इसमें कचरा डाल रहे हैं। ग्राम पंचायत प्रतिदिन में भूखंड की सफाई करवाती है, मगर विभाग की नींद नहीं खुल रही है। वर्तमान में डाकघर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे किराए के भवन में संचालित है। उपभोक्ता के लिए सुविधा नहीं है, वैसे डाकघर बचत व जमा योजनाओं में सदैव अग्रणी है। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।